गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु जी जैसे तीन गुण होते हैं हमारे में और प्रकृति के भी तीन गुण हैं, सात्विक है, राजसिक और तामसिक है, और इन्हीं के लिए तीन देवियां भी हैं, माँ सरस्वती सात्विक हैं, माँ लक्ष्मी राजसिक हैं और माँ काली तामसिक हैं। तो कहा जाता है कि जो भी साधक हम जिसकी भी पूजा करते हैं उन देवी देवता के उन शक्ति के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। अब जैसे मेरा भाव है कि मैं माँ काली की साधना करूं और माँ काली जो है वो तामसिक है और वो शमशान में है और एक गृहस्थ होने के उससे हमको धन भी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जहाँ माँ काली की होगी वहाँ माँ लक्ष्मी की नहीं हो सकती, क्योंकि माँ काली बहुत क्रोधी उग्र स्वभाव की है और माँ लक्ष्मी जो है थोड़ी सौम्य स्वभाव की है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्योंकि गृहस्थ को हर सब कुछ 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 चाहिए कि मेरे को थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा मेरे को रक्षा भी चाहिए, थोड़ा शक्ति भी चाहिए, तो उसमें आता है कि कैसे पूजा करी जाए, कैसे स्थापित करा जाए और कैसे अपने जीवन में इनको लाया जाए, उसमें एक सवाल है। काली ने जब भी रूप धरा है तो विध्वंस के लिए धरा है, डांस वांस करने के लिए कराने, ठीक। तो उस रूप की जब आप उपासना करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप में उग्रता आती है। बहुत सारे पास कॉल मैसेज आते हैं, गुरुजी हम ऐसे उपासना करते हैं कि घर हमारा साला बर्बाद पड़ा हुआ है। तो जब उग्र रहेंगे, जिस देवी या देवता की उपासना करेंगे, बैलेंस नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको आप जहां जाएंगे वो एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक। क्योंकि आपका वो ऐसा व्यवहार हो जाता है, उन मंत्रों को करते करते ऐसा ऊर्जा मंडल हो जाता है कि आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपकी वेशभूषा में, आप जो रंग यूज करते हैं उसमें, है ना, आप जिस प्रकार से लिखते हैं, हर चीज में वो चीज आने लगती है जब आप डीप चले जाते हैं उसमें। नॉर्मल दिया बत्ती करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने दिया बत्ती कर लिया, कहीं भी कर लीजिए, उसमें क्या है, किसी के भी सामने लगा लीजिए, तो जब डीप जाने लगते हैं, किसी भी ऊर्जा के निकट होने लगते हैं, किसी भी देवी या देवता की उपासना करने लगते हैं, तो उसका जो मूल कैरेक्टर है, उसका जो मूल एक्सप्रेशन है, उसी तरीके से आपका एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक। अगर उग्र देवी या देवता या उपासना करना शुरू करते हैं तो ये नेचुरल है कि आपका उग्र व्यवहार ही रहेगा, भले ही राजसिक सात्विक और तामसिक ले लीजिए। तो जब बाबा की उपासना करते हैं तो आप बटुक भैरव की सात्विक उपासना कर सकते हैं, लेकिन वो सात्विक होते समय भी बहुत ज्यादा हठी है, बहुत उग्र है। सात्विक होने के साथ साथ ही आप ये सोचें कि अगर सात्विक है तो बिल्कुल शांत ऐसी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, उतने में ही उसकी भयानक एनर्जी है। बस सात्विक ही आग लगाने के लिए बहुत है, इतना भयानक। तो आप सात्विक, राजसिक, तामसिक किसी भी देवी या देवता की उपासना कर सकते हैं। माता काली की भी बहुत सारे साधक हैं बहुत सामान्य रूप से उपासना करते हैं सात्विक तरीके से, ठीक है। उनको कुछ लोग मिष्ठान का भोग लगाते हैं, कुछ लोग मदिरा का करते हैं, है ना, कुछ लोग खीर का करते हैं, कुछ लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं उनके नाम की अलग अलग पकवानों से, है ना। कोई बलि देता है तो वो नारियल की देता है, कोई उसकी अनार की देता है, है ना, कोई बकरी की देता है, तो हर प्रकार से अलग अलग। लेकिन जिसका जो ऊर्जा है, जिसका जो ऑरा मंडल है, वो वैसे ही रहेगा भैया। राजा राजा ही है, ठीक है, वो बाहर भी आग लगाएगा, भीतर भी आग लगाएगा। जो वास्तविक जो आग लगाने वाले होते हैं, जिनके अंदर आग होती है ना, वो जहां बैठेंगे वो वहां राजा हो जाएंगे। उसको जेल में भी डाल दो तो ऐसा माहौल बन जाएगा कि सब उसके आसपास ही रहेंगे, ठीक। तो अब बात आती है कि फिर गृहस्थ ये क्या करे, उसकी सुरक्षा भी चाहिए, उसको धन भी चाहिए, उसको ऐश्वर्य भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी उग्र देवी या देवता की उपासना करते हैं तो धन नहीं मिलेगा, लालच नहीं करने का। वो ये कहते हैं लालच का एक लिए कर रहे हो, जो उपासना कर रहे हो तो साला जब सरेंडर कर दोगे तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी ना,
तुम आधा आधा बचा के रखते हो। अच्छा धन के लिए चलो कुबेर जाप कर लेते हैं, अच्छा उस काम के लिए बजरंगबली को सिद्ध कर लेते हैं, उस काम के लिए जिन्न को सिद्ध कर लेते हैं। वो साले हमने अपने अपने कामों को अलग अलग चीजों में बांट दिया है, ठीक है। अच्छा चलो ज्ञान चाहिए तो चलो इधर सरस्वती कर लेते हैं, लक्ष्मी जी के लिए उधर सेट हो जाएंगे मामला, और सुरक्षा के लिए पीछे काली सेट हो जाएंगे, तो तीनों चीज सेट कर लेते हैं, बस मामला सेट, अब कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये क्या हमारी गंदी सोच है। मैं ये कहता हूं कि जाला कोई भी एक चीज पकड़ लो, क्या काली आपको सरस्वती में प्रखर नहीं कर देगी, वाणी में प्रखर नहीं कर देगी? तू ही काली तू ही सरस्वती, आप उनके नाम पढ़ो, सहस नाम पढ़ो, उसमें सब है, तो क्या काली आपकी बुद्धि प्रखर नहीं कर देगी? इतनी कमजोर है। अरे बड़े बड़े गायक और वादन करने वाले वो काली की उपासना करते थे, तो क्या अगर आप किसी एक चीज में हस्त हो गए, सिद्ध हस्त हो गए, तो क्या उसके माध्यम से आपके जीवन में धनार्जन नहीं होगा? बड़े बड़े कलाकार जो हैं, सबके पास धन है, और इतना भयानक है कि उनसे ज्यादा टैक्स कोई नहीं देता, ठीक है। तो इन कलाओं में निपुण करने वाली काली है, काली के ही रूप हैं सारे, है कि नहीं भाई? वही कमला बन जाती है, वही मातंगी बन जाती है। तो इस तरीके से नहीं सोचने का आपने को कि हम इधर लक्ष्मी जी को पूजें फिर काली को पूजें, उग्र हो जाएगा मामला सिस्टम, ऐसा नहीं है। उग्र बाहर से कोई नहीं करने आता, आपके भीतर होती सारी चीजें। आप अगर ध्यान में हैं, आप बैलेंस चल रहे हैं, तो उग्रता आएगी, आप देखोगे शांत हो जाएगी, और जब जिस समय उग्रता आनी है उस समय को रोक भी नहीं पाएगा। क्यों? क्यों गलत चीज हो रही होगी तो उग्रता आती है ना। अगर आप ईमानदारी से ध्यान भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो सतो गुण आपके भीतर डेवलप होना शुरू होता है, आपकी यात्रा मुक्ति की ओर होती है। तो उस समय भीतर आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, आप स्पष्ट वक्ता बन जाते हैं, साफ बोलने वाले, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ये है सत्य, ठीक है। तो जब आप इस चीज को अपनाते हैं तो आपके घर परिवार समाज में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, क्योंकि आप साफ स्पष्ट ऐसे बोल देंगे, उनको तो बनावटी जीवन जीने की आदत है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यानी होंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे और मुस्कुरा के उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। यानी कि आप बैठे हैं, आगे पत्नी बैठी, माता बैठी, बच्चे बैठे हैं, आस पड़ोसी बैठे हैं, किसी ने कुछ बोला, आप फट से जो है गाली देके बोलोगे, अच्छा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। उग्रता में तांत्रिकों के ऐसा होता है, लेकिन जब आप ध्यानी भी हो साथ में, और सही जिसको मैं ध्यानी बोलता हूं, वो इसको ध्यान होता है, वो ऐसा नहीं कि 10 मिनट ध्यान भी कर लिया, 10 मिनट ये भी कर लिया, हो गया, अब मैं दोनों तरीके का हो गया, ऐसे नहीं। ध्यान बहुत गहरी बात है, किसी को पता ही नहीं उसका, किसी को पता करना हो तो आगे बैठे 10 दिन 15 दिन में बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो वो अगर ध्यानी है तो भीतर से उसके आएगा, बुद्धि विवेक उसका जागृत होगा, वो ये सब बैलेंस, ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है, जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक माइक्रो नैनो सेकंड में वो पक्क से मुंह से नुकसान कर देता है ना, बोल के अपना और दूसरों का, क्योंकि जब बोलेगा 10 लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, ये बड़ा गंदा बोलता है आदमी यार, इसका नुकसान पहुंचाओ पीछे से, ठीक। तो जैसे ही अंदर से आएगा वैसे ही आप स्थिर होकर उसको देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा ये आया, अरे तो पागल आदमी यार, छोड़ो क्या बोलना है, ये आप समझदार हो जाओगे। आपको अंदर से भी आ गया, आपने उसको दिशा दे दी, एक जो आया अंदर से ना अपना और दूसरा नुकसान करने के लिए, आपने उसको दिशा दे दी, अरे यार ठीक है अभी बोलने की जरूरत नहीं, क्या है ये होगा देखा जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप उग्र भी रहे साधनाओं में, आपने चीजों को बैलेंस भी कर लिया, तो आपको नुकसान भी नहीं हुआ। अब ऑफिस में आप सत्य बोलना शुरू कर दो, आप कल ही नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है। तो जहां बोलने का वहां बोलने का है, जहां दबाने का वहां दबाने का है, तो उसके लिए आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो लोग जैसे बात हो रही थी कि लोगों में ध्यान का क्रेज नहीं है, तो महंगी चीज हर कोई खरीद भी नहीं पाता ना, सस्ती टुच्ची मुच्ची चीज तो इधर उधर बिकी रही है, किताबें बिक रही है, यूट्यूब फेसबुक बिकी रही है, 100-100, 500-500, 200-200 में लोग बेच ही रहे हैं, भाई ये साधना ले लो, ये साधना ले लो। तो जो महंगी चीज है जिसको पता ही नहीं किसी का, मतलब किसी को ध्यान के बारे में एक्चुअली में नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो क्या बेचेगा, नहीं बेचेगा,
बेचेगा भी तो गलत बेचेगा, दो चार दिन में उसके सामने जो है फ्रॉड आ जाएगा, उसको ये ध्यान में नहीं पता। लेकिन हम जैसे मान लीजिए 12-15 साल से ध्यान करा रहे हैं, साधना करा रहे हैं, कितने आप लोग भी हैं, आप लोगों की जो गति हो रही है वो प्रमाण है ना आपके सामने कि एक्चुअली में क्या है। क्यों? क्योंकि उसको शब्द दिए नहीं जा सकते। तो जब तक आप ध्यान नहीं कर रहे हैं रियल वाला ढंग से, तब तक आपको वो चीज नहीं पता चलेगी जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप काली ही करो या लक्ष्मी ही करो या बाबा ही करो, एक पकड़ लो, 10 लोगों से करने की जरूरत ही नहीं भाई। अगर काली ने या बाबा ने आपको कोई एक आपके पूरा ब्रह्मांड है ना उसमें अगर एक सेल भी पूरा एक्टिव कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। समर्पण की आवश्यकता, समर्पित हो जाओ। तो जब तक समर्पित नहीं होगे, अपना दिमाग चलाओगे कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, तो कभी भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही भटकाव रहेगा, जिसका फायदा जो मार्केट में दुकान लगा के बैठे हैं तांत्रिक लोग वो उठाएंगे, है ना, और हम लुटाएंगे वो उठाएंगे। अच्छी चीज की जो समझ में नहीं आती है, इसीलिए मेरे पास जो खराब लोग हैं, जो बहुत सस्ते लोग हैं ना, इनको तुरंत चाहिए बस, ऊपर से 1 करोड़ की लॉटरी नीचे गिर जाए स्वर्ग से, बस मैं उसको भुना लूँ 1 करोड़ हो जाएगा पूरा। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं तो चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ, पहले सोचता था ऐसे आते हैं यार चले क्यों जाते हैं, फिर पता चला इनका लालच ही मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, और मैं उनका लालच भी सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिंह साहब हैं, विनय साहब हैं, आप हैं, सब हैं, तो आप लोगों को मैं कुछ करा नहीं सकता हूँ, ठीक है, करा सकता हूँ। अभी जो मेरा स्टेप्स चल रहे हैं, पहले धंधा यक्षिणी होगी, यक्षिणी का बहुत सारे उदाहरण है, कितने लोगों ने पता नहीं कितना प्रॉफिट कमाया है, बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन मैं थोड़ा ना उनके पीछे कटोरा लेके जा रहा हूँ, अरे तुमने इतना प्रॉफिट कमा लिया मुझे दो, भीतर की बात है। अगर उसको समझ में आती है तो आश्रम के लिए मैं अगर साधकों के लिए कुछ सेवा लगा दूं, या गाय दे दूं, या मैं फर्श करवा दूं, या पेड़ लगा दूं, या कुछ भी कर दूं, तगत करवा दूं, वो उसके अपने भाव है कि उसको गुरु के माध्यम से 1 रुपया मिला, उसने कहा चलो 25 पैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, 1 रुपया मिलने से पहले नहीं था ना मेरे पास 1 रुपया, तो वो उसके अपने भाव हैं। तो धनदा यक्षिणी का जो शिविर होगा, ये पहले भी लगाए हैं, बेनिफिट हुआ ये लोगों को, तो जो धनदा यक्षिणी का जो शिविर है प्रथम स्टेज, उसमें मैंने रखा है कि उसमें 2-4 चीज़ें हैं, जैसे धनदा यक्षिणी का जो मंत्र जाप है 1.25 लाख मंत्र का, फिर हवन तर्पण मार्जन कन्या पूजन, ये सब रहेगा। उसके बाद फिर जो धंधा यक्षिणी है इसका अघोर मार्ग में कैसे सिद्धि होती है उसमें लाया जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा अघोर लक्ष्मी कैसे करा जाए। तो इसमें मेरे को ऐसा नहीं कि मैंने बताया और लोगों ने जाप कर दिया बात खत्म हो गई अपने अपने घर जाओ, एक पूरा सिस्टम है कैसे वर्क करेगा मैं बताऊंगा। जाप करने तो घर में भी कर लेते हैं, बहुत लोग कर लिए होंगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने सफलता पाई है इसमें उसका सिस्टम क्या है मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरा चेंज करना पड़ता है। आप यहाँ बैठ के जाप करते रहो, सोचते रहो मैं गरीब मैं गरीब मैं गरीब, अरे यार इतना किराया रहा, इतना ये हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपका पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए 4-5 दिन का 6 दिन का 10 दिन का शिविर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जाप 10 मिनट करेंगे, 2 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, लेकिन बाकी के 18-20 घंटे आप वही करेंगे जो आप करते चले आ रहे हैं। आपको उस चीज से काटना बहुत जरूरी है। आप 2 घंटे जाप करेंगे, ऊर्जा इधर उधर देखने में खर्च कर देंगे, बकवास करने में कर देंगे, आप मोबाइल यूज करने में खत्म कर देंगे, वो ऊर्जा बनेगी नहीं, बनेगी भी थोड़ी बहुत तो निकल जाएगी, और आप कहेंगे कोई असर ही नहीं हुआ, बेकार है, 20-20 लाख 50-50 लाख लोगों ने कर दिया अपने घर जाके, कुछ नहीं हुआ। सही ढंग से अगर करी जाए तो उसका फल है। और एक्सट्रीम पे ले जाना है, जब धंधा यक्षिणी का अघोर होगा और उसके बाद अघोर लक्ष्मी की साधना होगी, वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की साधना, उसको तो बहुत बहुत ज्यादा उसमें धन के मार्ग खुल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चिता में से निकल जाएगा सोना सारा बाहर, है ना, उसमें ये होगा कि बहुत मार्ग खुल जाते हैं। आप को उसके बाद गाइड करने वाला भी चाहिए कि अपने को अब क्या चुनना है, है ना। जितने लोग करते हैं मेरे से लगातार संपर्क में रहते हैं, और जिनके मन में नकारात्मकता रहती है वो नहीं करते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं, तो वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में है नहीं भैया तुम अमीर बन पाओ या पैसा आ जाए। तो हिम्मत तो साधक को करनी पड़ती है ना। अब ये का हम 21,000 रुपये रखते हैं, इसमें रहना खाना पीना हवन कन्या पूजन और गुरु दक्षिणा सब कुछ है उसमें इन्वॉल्व, ठीक है।
अब मैंने किसी को बताया, वो कह रहे कि नहीं नहीं किस दर्द बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आपकी यही सोच को तो बदलना है, अगर आपको 21,000 कम लगने लगे तो आपका विचार तुरंत परिवर्तित हो जाएगा ना। 21,000 कम लगने लगा ना उसके लिए, बात खत्म हो गई। तो वो चीज तो मैंने उसके हटा दी ना। अभी वो 21,000 एक छोटी सी रकम है, उसको इतनी बड़ी लगती है, इतनी बड़ी लगती है कि उसको लगता है कि 21,000 तो मैं 10 साल में भी नहीं कमा सकता। जबकि रियलिटी यह है कि जीवन यापन में एक महीने दो महीने में इसका पता नहीं कितना नुकसान कर देता होगा, पान बीड़ी सिगरेट चाय चूहे सब मिला के इससे ज्यादा खर्च कर देता होगा। तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। तो वो 5 दिन की 6 दिन की साधना हवन के साथ दक्षिणा के साथ वो सिर्फ 500 रुपये देने के लिए रेडी थे। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं। तो मैं ये बोलता हूँ कि बेगर्स हैव नो चॉइस, अगर आप भिखारी हैं आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। मतलब आप दक्षिणा नहीं दे सकते हैं ना, तो आप भिखारी हुए ना, नहीं दे सकते हैं भाई, बात स्वीकार कर लो, किस चीज का अहंकार है। तो जब ये स्वीकार कर लोगे तब ये आएगा कि यार दक्षिणा देनी चाहिए, तो फिर मैं कैसे करूं, ठीक है। तो फिर आप भिक्षाटन कर सकते हो कि मुझे मेरे गुरु के पास जाना है, साधना करनी है, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं। उससे जो आएगा ना वो उसको बदलेगा। ऐसा नहीं कि पैसा फेंक दिया है, गुरुजी मैंने आपके लिए 1 करोड़ फेंक दिए हैं, उठाओ बटोरो और मेरी लॉटरी लगवाओ, मुझे 10 करोड़ चाहिए, कुछ कर दो, मेरा हाथ खोल दो। तो ये सिस्टम तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरु को ऑर्डर दे रहा है कोई, भले ही शब्द सौम्य हो लेकिन ऐसा लग रहा है ऑर्डर दे रहा है कि मेरी अगर लॉटरी लग गई ना गुरु जी फिर देखना मैं आपको अमीर कर दूंगा। अबे यार गुरु कितना अमीर बैठा है तुम्हें क्या पता, गुरु किस स्थान में बैठा है तुम्हें क्या पता। तो कभी भी अपने विचारों को क्षीण ना होने दें, क्षुद्र ना होने दें, क्योंकि विचार ही आपको ले जाएं, क्योंकि आपका जो पूरा अस्तित्व है उसको सौंप रखा है आपने अपने विचारों को, मन को। तो मन आपने जहां डाल दिया, जो फीड कर दिया, वो आपको वहां ले जाएगा, आपको चाहे न चाहे। आपके अंदर फीड है गुरु के साथ रहना है, आपके अंदर फीड है गुरु की सेवा करनी है, आपके अंदर फीड है मुझे उनके साथ सानिध्य में साधना करनी है, वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 24 घंटे जो आपने डाल दिया वही तीव्र होकर निकल जाएगा। तो इस विचार को कभी भी हावी ना होने दें कि कोई भी देवी देवता वो नुकसान पहुंचाने के लिए बैठा है, ठीक है। ग्रह दशाओं के हिसाब से बहुत कुछ होता है, अपना कुंडली एनालिसिस जरूर करवाना चाहिए, बीच बीच में जरूर कराते ही रहना चाहिए। उससे एक थोड़ा सा साइड में रह के पता चलता है कि एक्चुअली में किस दिशा में जा रहे हैं। और कोई भी साधना करो, एक साधना करो, 10-10 साधना करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मैं बता रहा हूं। बहुत लोगों का धंधा चल रहा है, इससे हो सकता है उनको चोट लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि बड़े बड़े जो संत कह गए एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, वो मूर्ख नहीं थे। या तो भाई टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो सब नए नए पैदा हो रहे हैं अच्छे अच्छे, या तो पुराने वाले बेवकूफ थे। मैं तो पुराना वाला व्यक्ति हूँ तो मैं जानता हूँ कि उन्होंने सही बोला था, क्योंकि मेरे अपने अनुभव पर यही रहा है कि मैंने सिर्फ बाबा भैरवनाथ को ही जाना है, उन्हीं को ही पूजा है, बाकी साधनाएं और करी हैं लेकिन किसी को रखा नहीं अपने पास, किसी को इतनी तवज्जो नहीं दी। और साधना करने से पहले भी यही बोला कि तू ही कर रहा है, तू ही करा रहा है और तू ही छुड़ाएगा, बात खत्म। गुरु तो केंद्र में थे ही, उनके तो मार्ग से हुए वही सब कुछ। लेकिन कभी भी ये जो नियम है एक वाला कि मैं छोड़ा नहीं, और मैं यही अपने साधकों को शिष्यों को आप सबको समझाता हूँ कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई एक चीज पकड़ लो, ठीक है, एक चीज पकड़ लो। अगर धन लक्ष्मी पकड़ना है तो ये धन लक्ष्मी पकड़ लो, तो जिसके पास पैसा है उसने सब कुछ खरीद रखा है, सब खरीद रखा है ना भैया, पूरा देसी खरीद रखा है, सरकारें खरीद रखी हैं, विभाग खरीद रखे हैं, पैसे की पावर मत जो कर लो सर, एकदम एक्सट्रीम खींच के ले जाओ, पूरा एक्सट्रीम पे जो कर रहे हो पूरा एकदम ऊपर तक दम लगा दो। तो चाहे लक्ष्मी की पावर लो, चाहे काली की लो, किसी चीज की भी लो, एक पावर ले लो, समझ रहे हो, तुम्हारे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खुद एजेंसीज आ जाएंगी भैया आपको सिक्योर करते हैं, आप देश की धरोहर है।
है ना, भले ही कितना बेवकूफ नेता हो, पावर आ गई ना तो अब आ जाएंगे लोग कि हम आपको सेव करते हैं। तो माता काली की हो, चाहे सौम्य हो, चाहे उग्र हो, चाहे लक्ष्मी की साधना हो, आप कोई भी एक पकड़ लीजिए बस, ठीक है। तो किसी भी, ये मैंने सांसारिक शब्दों में भी बताया और आध्यात्मिक में बता दिया है, तो मुझे लग रहा है ये तो प्रश्न हो ही गया, इसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। ठीक, यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।